वेलकम बैक टू माई व्लॉग। सो गाइज, फिलहाल आज मम्मी जी बना रहे हैं पाव भाजी, और देखते हैं तो आज की प्रक्रिया देखो कुछ इस प्रकार है। फिलहाल हमने यहाँ पे देखो क्या क्या लिया है, थोड़ी सी गोभी, 3-4 गाजर, और ये चुकंदर है, और ये हमारी शिमला मिर्च, और 3 आलू, और ये प्याज अच्छे होते हैं मम्मी बता रहे हैं फिलहाल, और ये देखो 2 टमाटर, 3-4 मिर्ची, और छोटे छोटे ये प्याज क्यूट से, और थोड़ी सी मटर, थोड़ा सा अदरक। अभी फ़िलहाल मैं आटा बना देती हूँ, और यहाँ पे मम्मी ने कुकर रख दिया गैस पे, और अभी प्रक्रिया चालू होने वाली है। सो यहाँ पे फ़िलहाल अभी मैं और मम्मी काम कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे टाइम लैप्स की वीडियो लगा दी थी थोड़ी देर के लिए। सो गाइज, अभी हम लोग इस दौरान काम कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं, फिर आगे आप लोग देखते रहना, पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पाव भाजी फिर हमने खाई थी, फिर हम पाव ले आए थे, ठीक है, तो हमने उसके साथ बहुत अच्छी लगी, और आप लोग इसको पाव के साथ भी खा सकते हो, या वैसे भी बहुत बढ़िया लगती है ये नॉर्मल भी। डालना तो सबसे पहले हमने गैस पर कुकर रख दिया था, और उसके अंदर तेल डाला हमने, 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने तेल डाला, फिर इसके बाद जीरा, प्याज और टमाटर, मिर्ची, अदरक का पेस्ट बना के वो अभी डाल रखा है। अब इसको थोड़ी देर पकने देना, जब तक ये तेल जो है इसके ऊपर ना। भाजी तो इतनी आसानी से बनने नहीं वाली, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो अब इस मेहनत में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही है, चलो करते रहते हैं मेहनत थोड़ी देर। अभी इसको थोड़ी देर तक ढक के रखे रहना है, और देना है, फिलहाल तो ये ढका है इतना। मैं तो फिलहाल जो रही मूवी देखने, आप लोग भी थोड़ा सा इंतज़ार करो, फिर ये फटाफट रेडी हो जाएगा, और फिर हम इसके अंदर और सब्जियाँ भी डाल देंगे। तो मैं चली, बाय बाय। नमक तो इसमें अब 1 चम्मच नमक जाएगा, और 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्ची और हल्दी। अब इसमें से थोड़े धुएँ निकलेंगे, ये स्टीम हो रही है, तो अभी ये मतलब भाप निकल रही है इसकी। चलो तो फिलहाल अभी इसको गोल 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 घुमाना है, मतलब कि भूनना है थोड़ी देर तक, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर कैमरा लेके गई ना, तो ये सारे कैमरे पे आ जाएगी स्टीम। थोड़ा सा इसके अंदर अभी जस्ट मम्मी ने डाला है धनिया पाउडर। अब इसके अंदर गई कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च हम डाल देंगे। अब इसके अंदर जाएंगे गाजर, गोभी, चुकंदर, आलू, गाजर, गोभी, चुकंदर, शिमला मिर्च, सारी सब्जियां गई अंदर। जो चुकंदर होता है ना, वो थोड़ा सा मतलब रेड कलर का होता है, तो उसकी वजह से ना प्लेट पे भी रेड कलर के पैचेस जो आ जाते हैं, और ये सारी सब्जियों को मम्मी अच्छे से मैश कर देंगे। अब इसमें मटर भी जाने वाले हैं, मटरों का स्वागत करते हुए सारी सब्जियाँ बड़ी खुश हो रही है, और अब इनको पता नहीं इनके साथ क्या होने वाला है। चलो तो शुरू हो जाओ। वाह, अब इसके अंदर जाने वाला है पाव भाजी मसाला, जिसके लिए हम इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम नहीं मतलब मम्मी कर रही हैं वैसे तो। तो अब इसके अंदर गया 1 चम्मच पाव भाजी मसाला, फिर से गोल 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 घुमाते रहना, मतलब कि मिक्स करना है। अब इसके अंदर ना हमने मतलब 1/4 हिस्सा पानी डाला है, ताकि ये मतलब ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा सा पानी डाला है हमने इसके अंदर, ताकि जो सब्ज़ी अच्छे से हो जाए, मिक्स हो जाए, क्योंकि अभी हम नए नए शेफ़ बनने की रास्ते पे है ना, तो अभी इतना कुछ पता नहीं है, तो सारी चीज़ें मम्मी को बतानी पड़ती है। गैस देख लो ऑन है पूरी अच्छे से, मतलब हाई मीडियम पर रखना है, और इसको अभी मिक्स होने देना है अच्छे से। कुकर को मम्मा बंद कर देती है, जब तक इसमें 3 सीटियाँ नहीं आ जाती इसको यहीं रखना है, और 3 सीटियाँ आएंगी तो सब्जी जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगी। टाइम पास करने के लिए मुझे अब गच्चा खाना पड़ रहा है, मतलब टाइम पास करने के लिए भूख लग रही थी, खा लिया। ऐसी ही 2 सीटी और आने तक इसको आराम से यहीं रखना है।
उई। तो अभी मम्मी ने बटर डाला इस पे और ये देखो ये प्योर बटर है क्योंकि घर पे ही निकाला था मम्मी ने। और ये रहा, ज्यादा नहीं घी हो गया कुछ ज्यादा घी नहीं 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 अभी और भी तो डलेगा ना। तो अभी फिलहाल जितनी खानी है उसके अकॉर्डिंग मम्मी यहाँ पे ये देखो बटर डाल के जो हमने मैश करके बनाया था अब वो सारा इसमें डाल दिया। हो चुकी है रेडी और फिर बन लाएंगे और देन हमारी पाव भाजी रेडी। तो देखो इसके क्या क्या यूजेस है, आप इसको सैंडविच में डाल के खा सकते हो, एज अ सब्जी यूज कर सकते हो, चावल के साथ भी खा सकते हो। प्याज की लच्छा काट ली, समझाई मेरी बात? ठीक है भाई। अभी इसको यहाँ पे हम अभी आटा बना के मैंने रेडी कर दिया था मम्मी यहाँ रोल का, तो चलो एक ही कटिंग शटिंग कर लेते हैं। तो देखो मेरी कटिंग, फिलहाल प्याज को काट लेना अच्छे से। और पता है इस प्याज की ये जो होता है ना ये, इससे हम बायो में एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट तो नहीं, अनियन पील है ये। और ये हमारे जो मैम थे उन्होंने इसके अंदर हमें सेल्स दिखाए थे। ये 9th क्लास में एक चैप्टर है तो उससे रिलेटेड हमने देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर। इस पील की हेल्प से मैम ने इसमें सेफ्रेनिन डाल के वो एक्सपेरिमेंट किया था। सो गाइस ये हो चुकी है रेडी और देखो कितना भाई बहुत अच्छी है। वाओ बहुत अच्छी है भाई, देखो इसमें तो पूरा स्वाद ही भाई बहुत अच्छी लग रही है। चलो अब खाते हैं। फिलहाल मम्मी यहाँ पे रोटियाँ